हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कीवे के लाइट 250V के बारे में। दोस्तों ये लॉन्च हो चुकी है, बेसिकली डेब्यू उसका हो चुका है, लॉन्च अभी नहीं हुई है। लेकिन मैं ये सोचा था कि 400cc में होगी, लेकिन ये 400cc के साथ नहीं आई है, ये 250cc के साथ आई है। और 250cc भी नॉर्मल 250cc नहीं, वी ट्विन इंजन है। हाँ जी दोस्तों, वी ट्विन इंजन। ये फर्स्ट टाइम होगा इंडिया में कि 250cc में आपको वी ट्विन इंजन मिलने वाला है। तो मैं इंजन के बारे में पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पे 249cc का वी ट्विन आपको एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है, जो 7 BHP की पावर देगा और 19 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देने वाला है। तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी सी निराशा हो, क्योंकि वो लोग लिक्विड कूल इंजन या ऑयल कूल इंजन के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पे सिंपल सा एयर कूल इंजन है। लेकिन सिंपल नहीं है दोस्तों, ये एक वी ट्विन इंजन है, यानी ट्विन सिलेंडर इंजन है, जो वी ट्विन शेप में आपको मिलने वाला है, जैसा आपको हार्ले में मिलता है। मतलब छोटी हार्ले अगर इसको कहें तो, मतलब कह सकते हैं यार छोटी हार्ले जैसी ये लग रही है। तो यानी मैं ये कहूं कि अगर कम पैसे में आप हार्ले डेविडसन का मजा लेना चाहते हैं तो आप कीवे की लाइट 250V ले सकते हैं। इसके अलावा दोनों साइड आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी विद ABS, तो अच्छी बात है यार, थोड़ा सा तो सेफ्टी के बारे में कंपनी ने सोचा है। यहाँ पे दोस्तों आपको 20 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है यार, जो अपने आप में गजब है। मतलब पेट्रोल डलवा लो और टेंशन मत लो, दोबारा डलवाने की आपको टेंशन नहीं होगी जल्दी से, क्योंकि यार 20 लीटर बहुत ज्यादा होता है। बुलेट में भी आपको 13.5 लीटर के आसपास मिलता है। स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक शेप आपको मिलने वाली है। फ्यूल टैंक की जो शेप है वो काफी ज्यादा मस्कुलर सी लग रही है, और काफी ज्यादा पर्सनली तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। दोनों साइड आपको 16 इंच के अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि दोनों जो अलॉय व्हील हैं या फिर व्हील्स दिए जाते हैं वो अलग अलग साइज के दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों ही अलॉय व्हील 16 इंच के ही मिलने वाले हैं। फ्रंट टायर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 120x80 सेक्शन का टायर मिलने वाला है। रेयर आपको 140x70 सेक्शन का टायर आपको मिलने वाला है। तो हाँ, जो रेयर टायर है वो ज्यादा वाइड है, नॉर्मली ऐसा ही दिया जाता है बाइकों में, लेकिन जो साइज है, आजकल अलॉय व्हील के साइजों में भी फर्क होता है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऑल LED लाइट्स कंसोल आपको मिलने वाला है, यानी इंडिकेटर से लेकर सब कुछ यहाँ पे LED ही दिया गया है। पर्सनली मुझे LED ही ज़्यादा बेटर लगता है। अब वो हैलोजन ना थोड़ा सा ओल्डी हो गया, मतलब कुछ बाइकों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो रेट्रो थीम की होती हैं, लेकिन यहाँ पे LED ही सही लग रहा है। सीट की डिज़ाइन की बात करूँ तो इस डिज़ाइन को स्टेप अप स्प्लिट सीट कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है और कम्फर्टेबल है। मैंने इस डिज़ाइन को काफ़ी यूज़ किया, तो मुझे पता है कि राइडर के साथ साथ पिलियन के लिए भी ये जो सीट डिजाइन है काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। इंजन के फ्रंट में आपको देखेंगे तो आपको इंजन गार्ड मिलेगा। बेसिकली ये इंजन गार्ड है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये ऑयल कूलर या फिर लिक्विड कूलर वगैरह टाइप है, लेकिन ये है इंजन गार्ड। ड्यूल एग्जॉस्ट मिल जाएंगे। अब देखिए, वी ट्विन है तो ड्यूल एग्जॉस्ट तो बनता ही था। ओवरऑल मैं बात करूं तो भैया ये एक तरह की मस्कुलर प्रोफाइल क्रूजर बाइक है, जो यार काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाई गई है। रोड प्रेजेंस की बात करूं तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव इसकी रोड प्रेजेंस रहने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप इसको लेके जाएं और कोई आपको ना देखे। देखिए वी ट्विन इंजन है, जो अपने आप में काफी ज्यादा अलग लगता है, हार्ले वाली लुक देता है, तो लोग आपको मुड़ मुड़ के डेफिनेटली देखेंगे। और कंफर्ट के लिए बात करूं, अगर मैं क्रूजर राइडिंग की पोजीशन की बात करूं तो यहाँ पे पुल्ड बैक आपको हैंडल बार मिलेगा। इसके अलावा फॉरवर्ड सेट फुट पैक्स मिलेंगे और क्रूजर स्टांस, कंप्लीटली ये क्रूजर स्टांस बना रहा है। मतलब सीट से लेके हैंडल बार या फिर हम फुट पैक्स की बात करें, इन तीनों का जो मिलन है वो एक क्रूजर स्टांस यहाँ पे बना रहे हैं। वैसा ही क्रूजर स्टांस जैसा आपको मेटियोर और आपको एवेंजर, इन दोनों बाइकों में आपको मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको 715mm की सीट हाइट मिलने वाली है, यानी सीट हाइट कम रखी है। वही ना, आपको एक हार्ले वाली फील देनी है, एक माचो फील देनी है, जैसे आपको एवेंजर वाली बाइक्स में मिलती है, तो सीट हाइट दैट्स वाई यहाँ पे कम रखी गई है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे टैंक पे ही आपको सेमी डीजी इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अलग लुक देगा। तो ओवरऑल बाइक बहुत ज़्यादा शानदार है, लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात है कि ये QJ मोटर्स, वही मोटर्स जो बेसिकली बैनली और कीवे, अब कीवे को भी बना रही है, तो कहीं ना कहीं ये चाइना मेड बाइक कह सकते हैं आप इसको। चाइनीज़ प्रोडक्ट पे कितना ट्रस्ट करें, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि हमने रिसेंटली किया की गाड़ियाँ देखी जो थ्री स्टार से ऊपर स्कोर कर ही नहीं पाती, और काफ़ी महंगी गाड़ियाँ होने के बावजूद भी 3 स्टार ला रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बिल्ड क्वालिटी में शक वाली तो मतलब बात होती है। इसके अलावा एक चीज और है कि अभी तक प्राइस के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। अब प्राइस जब आएगा तब पता लगेगा कि हाँ यार ये लेने लायक है कि नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना बहुत, मतलब जो मार्केट है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखिए चाइनीज ब्रांड है, तो हो सकता है कि प्राइस काफी ज्यादा कम हो और लोग काफी ज्यादा लेना इसको पसंद करें, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही पता लगेगा, यानी जब मार्केट में ये लॉन्च होगी 6-7 महीने 1 साल बाद, तब पता लगेगा कि हाँ ये बाइक कितने ज्यादा पानी में है। सिर्फ लुक देख के इसको लेना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत डिसीजन होगा। इसको थोड़ा सा मार्केट में चलने देते हैं, थोड़ा सा लोग चलाएंगे, तभी तो पता लगेगा कि हाँ भाई ये जो ब्रांड है कितना ट्रस्टवर्थी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती, मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो आपको पता है क्या करना है, उस रेड बटन को ग्रे कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।